step out and enter in. There's no time, no time for stalling. The why is calling. When you risk it all, you learn to feel. SYC ये है कि SYC का फुल फॉर्म है हम लोग का सिंग फॉर यूथ कॉन्फ्रेंस, जो SYO का अंडर का बैनर में ही हम लोग ऑर्गेनाइज करता है। सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन तो कनी, ड्रग्स, अल्कोहल ये सब ही है, तो उसी के लिए उसी को थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से कॉन्फ्रेंस करते आ रहा है और करते रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग हमारे इस कॉन्फ्रेंस का यही है कि जितने भी खोंग से हम लोग, जैसे कि आफ्टर एवरी ईयर आप लोग को पता ही है कि हम लोग का स्पोंगयोंग होता है, तो स्पोंगयोंग में पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग इसको गेयर अप करते हैं, मतलब यूथ्स लोग को। ये सिंगापुर यूथ कॉन्फ्रेंस में आके विभिन्न यूथ्स यहाँ से बहुत कुछ सीखने जा रहा है और सीख के जा रहा है। और हाल ही में आपने देखा है कि यहाँ पे हम स्पोर्ट एक्टिविटीज़ रखे हुए हैं और कल्चर एक्टिविटीज़, सारे साल में हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हमारा सिंगापुर यूथ्स आने वाले दिन में बहुत सुंदर से अलग जगह में जाने से भी रिप्रेजेंट कर सके। लास्टली आई वुड लाइक टू अपील ईच एंड एवरी यूथ्स ऑफ इंडिया कि इस तरह से इस बार जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस तरह हमेशा हर साल हम लोग कॉन्फ्रेंस कराते रहेंगे, और आप लोग का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि हम लोग एक दूसरे से जान पहचान हो सके। और आज हम लोग का ये फोर्थ कॉन्फ्रेंस का स्ट्रेंथ है अबाउट 200 डेलीगेट्स, बट नेक्स्ट आई होप वी मेक इट एज ए 2000 डेलीगेट्स। इसलिए इवन आई अपील एवरी पेरेंट्स ऑफ सिंगापुर कम्युनिटी कि अपना बेटा बेटियों को आप लोग भेजिए और कुछ हम लोग से सीखने को मिले और हम लोग भी उससे सीखें। बिकॉज एक सेइंग से कि सीखना कोई बड़ा से या छोटा से सीखना वो कोई शर्म का बात नहीं है। अगर हम बड़ा लोग अगर छोटा से कुछ सीख मिल रहा है तो हम जरूर सीखेंगे उससे, और हम लोग भी कुछ सिखा सके तो बच्चा लोग को, तो ओब्वियसली वो लोग भी सीखने के लिए तैयार। थैंक यू वेरी मच।